अंगूर इसमें ब्लैक वाले में अंगूर खा ले। अभी दो के लाऊं मैं, रुक जा। गाजर दो के लाओ, खा लेते हैं अभी थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि लेट हो जाएंगे घर पहुंचने, घर पहुंचने तक है? तो ये देखो जी, मैं तो अकेला जाता हूँ तो भी, और ये साथ होते हैं तो भी, मेरा क्या है कि बाहर अगर मतलब बाहर का यार ये समोसा वमोसा क्या खाएं, और खाने को रोटी खाएंगे तो रोटी की तो बात अलग हो गई, और अब सुबह सुबह क्या खाएं मतलब कचौरी फलानो डिमका, तो सुबह सुबह मेरे को अच्छा नहीं लगता, खाली पेट तो बिल्कुल भी वो नहीं होता। और ये मैं लेके आया था सेब और केले अंगूर और गाजर, तो सिवास ने एक केला खाया था और थोड़े से अंगूर खा लिए, और अब हम गांव से चल दिए हैं। और ये देखो ये सब्जी वगैरह जो है ना खेतड़ी के पास में, मतलब जो माली हैं जो बोते हैं सब्जी, उनके वहीं से ताज़ा सब्जी ले ली, जैसे 2 दिन का पालक ले लिया, चुकंदर ले लिया और धनिया भी ले लिया। वहाँ मार्केट से 20 रुपये का धनिया आता है, उतना तो इन्होंने 10 रुपये के 5 रुपये में दे दिया, ऐसे देख लो तो ताज़ा सब्जी हो जाएगी। और चलो चलते हैं चिड़ावा। हेलो जी, सायंकालीन समय हो गया यार, हम पहुंच गए चिड़ावा, और आज मन बहुत खाली खाली है हमारा, क्योंकि हमारे साथ हो रही है बहुत बड़ी नाइंसाफी। भाई साहब, मैंने मेरी याद में बचपन में घर वालों ने कटवाए होंगे तो कटवाए होंगे, मैंने मेरी याद में जब से मैं समझदार हुआ तब से मतलब इससे छोटे बाल तो शायद नहीं करवाए, मतलब यहाँ से, और अब मेरे इतने हो रहे हैं, आज मेरे को 0 करवाने पड़ेंगे, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम, मेरा मतलब फेस ऐसा लगेगा कि बहुत बुरा। आप सब लोगों को भी देखोगे ना आप कहोगे शर्मा जी क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, लेकिन क्या करूं यार, मन सच में बहुत दुखी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन एकदम गंजे होने से अच्छा एक बार करवा के देख लेते हैं, अगर कुछ फ़ायदा हो जाए तो ठीक है। वैसे झड़ने कम तो हो गए, लेकिन वो अब पता नहीं कहाँ तक सत्यता है इस बात के पीछे, वो बोले कि आपके बाल दोबारा आ सकते हैं क्योंकि अभी निकले हैं, क्योंकि मेरे महीने में 1.25 महीने में निकले हैं, तो बोले आप एक काम करो इनको एकदम छोटे करवा लो अगर पॉसिबल हो तो। मैं बोलूँ पॉसिबल को क्या, ये तो दोबारा अपने घर की खेती है, दोबारा निकलेंगे जितने हैं उतने तो निकलेंगे और वो बढ़ेंगे भी करवा लेंगे। मैं बोला इतने इतने करवा लूँ, बोला नहीं करवाओ तो फिर इतने इतने एकदम बारीक करवाओ, नहीं तो फिर रहने दो। मैं बोला भाई ठीक है तो चलते हैं और जाके करवाते हैं, करवा के फिर आपको दिखाते हैं। एक तो टोपी लाएंगे, कल लाएंगे टोपी, तो आज तो नहीं लाएंगे। ये देखो मैं सोच रहा था पूरा अच्छा बड़ा पंडित बनेंगे, बाल पूरे बढ़ाएंगे ऐसे यहाँ तक के, और फिर धोती वाथी बांध के, वाला का भी पंडित बिना अच्छा वाला ही बैठ नहीं, लेकिन क्या करें देखेंगे भाई, जा रहे हैं आकर के दिखाते हैं आपको कैसा क्या हाल होता है। कैसा लग रहा है, हंसना मत कोई भी, मेरे को हंसी आई है सिर्फ नैनी तो एकदम से देख के ऐसे हो गई थी, शिवांश को इतना पता नहीं है लेकिन नैनी हो गई थी ऐसे एकदम से। और ये देखो दिखाओ पीछे से मेरी चोटी कितनी हो रही है। तो जी ये देखो चोटी शर्मा जी, इतने बड़े बाल थे मेरे आज शर्मा जी, 4-6 महीने मेरे ऐसे आ जाते बाल पूरे, रोने का मन कर रहा है इनका, है ना, है ना, आंखों में आंसू, काच वाच देखना बंद अब कई दिन के लिए, मजा आ रहा है वैसे हाथ पकड़ने से, दोबारा बढ़ जाएगा बाल ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, दोबारा बढ़ जाएंगे, सही से ग्रोथ हो गया। चलो पता तो लगे कम से कम कैसा लगा, कम से कम पता तो लगे
अच्छा लग रहा है ऐसे रहता कि भाई तो नहीं कैसा लग रहा है। ये देख रोन लग रहे हैं, आंसू आ रहे हैं क्या। कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे। आओ तो गाड़ी बदल मेरे यार, तो बाली तो है पाला था, कोई बात ना आ जाएगा। बाला खाते थोड़ी इन रोया कृषि लुगाई पूरी चोटी कटवाए जी, पछे भी कौन रोई। ये देखो इनके ये दिक्कत हो रही थी, बीच बीच के ये उड़ गए थे ना, तो थोड़े ही उड़े हैं अभी तो, हल्का बहुत। देखो यहाँ से एक छोटा सा जगह है तो अभी, और इनमें ग्रोथ भी दिख रही है। आज घर गए माँ जी, सब बोले कटवा ले फिर कम उड़ेंगे, इसलिए फिर क्या करें, कटवाने ही पड़े भाई। कोई बात ना, फिर आ जाएगा। तो ये देखो जी, मैंने पापा की चोटी गूंथ दी, ये देखो कैसी लग रही है चोटी, कमेंट करके जरूर बताना। पापा पूछ रहे हैं आप सबसे कैसी लग रही है चोटी, मुझे तो अभी भी अच्छों को एकदम ऐसे रखने पड़ेंगे तभी सही लगेगा, नहीं तो बुरा लगेगा। ये एकदम खड़ी, वाह। तो जी सबके लास्ट में एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी माँ जी को चरण स्पर्श पावा दो, लेकिन बस दिक्कत ये हुई कि इस बार किसी को आशीर्वाद नहीं दिला सके। क्यों नहीं दिला सके, मैंने वैसे टोपा लगा लिया है उसके लिए। एक बार पानी गर्म करिए यार, थोड़ा सा दो गिलास मुंह धोएंगे। और आशीर्वाद इसलिए नहीं दिला सके कि पहले वहाँ पे गए थे हम, वहाँ से हम आए, फिर माँ जी को कहीं जाना था, मतलब अचानक से हम खाना खा रहे थे उसी टाइम आ गए पड़ोस से कोई, उनके यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम होना था कोई लेडीजों का, तो वो मम्मी को लेके चले गए। फिर मम्मी ने कहा बोलो मैं जाऊँ या फिर कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा आप जाओ, और वो दिमाग में नहीं रहा, मम्मी चले गए। उसके बाद मैंने सोचा यार वीडियो तो बनाए भी नहीं, तो इसीलिए आप सबको आशीर्वाद नहीं मिला है। और नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पक्का आशीर्वाद दिला देंगे, सबसे सॉरी। और शिवांश कटिंग कैसी लग रही अपनी, मस्त। और ये शिवांश गांव से लेके आया है, गांव में मेला लगा था अपने, तो वहां से इसकी दीदियां लेके आई थी इसके लिए ये गन, देखो कैसे तो चलो अभी खाना वाना खा लेते हैं और मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक सबको बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।